बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ स्वा गार्डन इस्लामाबाद में। स्वा गार्डन का ये एच ब्लॉक है और 10 मरला घर का ये विज़िट है, ब्रांड न्यू हाउस है। वीडियो काइंडली आपने एंड तक लाजमी देखनी है। घर की जो प्राइस है वो मैं एंड पे कोट करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये गली स्ट्रीट ओवरव्यू आप देख लें गली का। ये आगे जो स्ट्रीट है ये जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को निकल रही है, हार्डली जो है 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। ये घर का फ्रंट गेट, मेन गेट, फ्रंट एलिवेशन, जी ये इसका जो है वो कार रैंप, टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसके बाद हम घर में एंटर होते हैं और विजिट स्टार्ट करते हैं। जी घर का कारपोच, सीलिंग ओवरव्यू, इजीली जो है वो बड़ी गाड़ी एक और छोटी दो गाड़ियाँ इजीली पार्क हो जाएंगी। ये जो है गैलरी एरिया, वाटर टैंक आप देख सकते हैं। इस घर में जो है वो बोर भी हुआ हुआ है और सप्लाई का जो स्वा गार्डन के अपनी सोसाइटी का पानी है वो भी अवेलेबल है। बिजली, पानी और गैस जो है इस घर में अवेलेबल है। घर की जो है मेन जो है एक एंट्रेंस है ये, और ये जो रास्ता है ड्राइंग रूम से है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ड्राइंग रूम को विज़िट कर लेते हैं। स्टेप पे जो है वो मार्बल का इस्तेमाल, और ये जो है साइड पे आप वुडवर्क देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। जी ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, नीचे जो है वो कंप्लीट टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है आप देख सकते हैं। सामने ये वॉल डिज़ाइन वॉलपेपर के साथ और सीलिंग ओवरव्यू। इसी के साथ जो है वेंटिलेशन विंडो, और ये पाउडर रूम। ये जो पाउडर रूम है, जो वॉशरूम है, ये अटैच है बेडरूम फर्स्ट के साथ भी, और जो ड्राइंग रूम के गेस्ट हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से इसके डोर हैं। जी इसी के साथ हम अब मूव होते हैं घर की मेन एंट्रेंस। ये आप डोर देख सकते हैं, सॉलिड वुड के डोर हैं। जी इसी के साथ हम दोबारा कारपोच में आ चुके हैं। अब जो है वो मूव होते हैं घर की मेन एंट्रेंस। डोर डिज़ाइन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप मेन डोर का जो है डिज़ाइन देख सकते हैं। जी इसी के साथ घर के अंदर एंटर होते हैं। ये लॉबी एरिया, स्टेयर्स जो हैं अपर पोर्शन को जा रही हैं, और ये घर की मेन एंट्रेंस। लॉबी में जो है ये वॉल डिज़ाइन ग्लोब के साथ। जी घर के अंदर एंटर होते हैं, मैप व्यू आप चेक कर लें, टीवी लॉन्च, सामने ओपन किचन, ओपन किचन के लेफ्ट राइट जो है बेडरूम, और ये भी बेडरूम। टोटल जो है ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको, ये जो है कनेक्ट है घर के, ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो घर के अंदर से कनेक्ट है, और ये बाहर लॉन्ड्री एरिया। ऊपर से जो है ये कंप्लीट ओपन है। जी उसके बाद टीवी लॉन्च का मैं कंप्लीट विजिट करवा देता हूँ। सीलिंग ओवरव्यू, और ये इसके टीवी लॉन्च के लिए वुडवर्क। वॉल डिज़ाइन,
और साथ में जो है ये सामने ओपन किचन, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हुआ है ओपन किचन। आप पहले ओवरव्यू चेक कर लें। नीचे जो है वो टाइल का इस्तेमाल, 3D टाइल्स आप देख सकते हैं। स्लैब्स जो है वो मार्बल के इस्तेमाल हुई हैं और वुडवर्क का आप देख सकते हैं डिज़ाइन, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। जी ओपन किचन के साथ जो है ये एग्ज़िट है बाहर। जी ये बैक साइड लॉन्ड्री एरिया, बैक साइड की जो गैलरी है वो आप देख सकते हैं कंप्लीट। नीचे जो है वो मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद घर के अंदर फिर एंटर होते हैं और स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। तो ये बेडरूम फर्स्ट, कंप्लीट टाइल का इस्तेमाल, वॉल डिज़ाइन एंड सीलिंग ओवरव्यू। इसके साथ जो है वो इसकी कबर्ड्स, और कबर्ड्स के जो ऑपोजिट है अटैच वॉशरूम। जी बेडरूम फर्स्ट, उसके बाद मूव होते हैं बेडरूम सेकंड की तरफ। जी बेडरूम सेकंड, सामने जो है वॉल डिज़ाइन, सीलिंग ओवरव्यू, और नीचे जो है एज यूजुअल पूरे घर की तरह टाइल का इस्तेमाल, वॉल ग्लोब आप देख सकते हैं, और ये कबर्ड्स। कबर्ड्स का जो है वो सेम डिज़ाइन है पूरे घर में, तमाम बेडरूम्स में, और इसी के साथ वेंटिलेशन विंडो और अटैच वॉशरूम। जी ये हो गया सेकंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम। उसके बाद मूव होते हैं बेडरूम लास्ट थर्ड की तरफ। जी टाइल, इसकी आप कवर्स देख सकते हैं, वॉल डिज़ाइन ग्लोब के साथ एंड सीलिंग ओवरव्यू। इसी के साथ जो है ये बाहर छोटे लॉन्ड्री एरिया के साथ इसकी जो है वेंटिलेशन विंडो है, और ये वॉशरूम जो ऑलरेडी मैं विज़िट करवा चुका हूँ जो कनेक्टेड है ड्राइंग रूम के साथ। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर का विज़िट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मूव होते हैं अपर पोर्शन की तरफ। जी ये जो है वो स्टेयर्स पे जो है मार्बल का इस्तेमाल हुआ है जेट ब्लैक, और स्कॉटिंग जो है वो टाइल की आप देख सकते हैं, और मेरे राइट साइड पे जो ग्रिल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील्स की हैं। उसके साथ जो है जी ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो टेरेस और स्ट्रीट ओवर भी चेक करवा देता हूँ। ये कंप्लीट टाइल मार्बल का इस्तेमाल हुआ है टेरेस में। ये इसका एक्सटीरियर, ग्राफी प्लस टाइल का इस्तेमाल हुआ है एक्सटीरियर में। और स्ट्रीट ओवरव्यू टेरेस से मुकम्मल जो है ये आबाद इलाका है कंप्लीट। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे इस सोसाइटी में। जी ऊपर आते ही जो है वो राइट साइड पे टेरेस, और सामने जो है वो ड्राइंग रूम, नीचे एज यूजुअल टाइल का इस्तेमाल, डोर डिज़ाइन सेम डिज़ाइन है पूरे घर में, सीलिंग ओवरव्यू, और सामने जो है वो वॉल डिज़ाइन वॉलपेपर के साथ।
इसी के साथ पाउडर रूम और बेडरूम फर्श के साथ जो है ये अटैच वॉशरूम। जी ये हो गया ड्राइंग रूम, ये इसका रास्ता कनेक्टेड है अंदर घर के साथ और ये हम मेन डोर से अब एंटर होते हैं घर के अंदर। जी टीवी लॉन्च, सेम डिज़ाइन, ओपन किचन और थ्री बेडरूम्स। सीलिंग ओवरव्यू आप देख सकते हैं, टीवी लॉन्च के लिए वुडवर्क। एंड इसका बेडरूम फर्स्ट, कबर्ड्स, सीलिंग ओवरव्यू एंड ये अटैच वॉशरूम जो ऑलरेडी मैं आपको ड्राइंग रूम के साथ चेक करवा चुका हूँ। उसके बाद बेडरूम सेकंड, सॉरी ये आप वॉल डिज़ाइन देख लें, टीवी लॉन्च में जो है वॉल डिज़ाइन ग्लोब के साथ। जी ये बेडरूम सेकंड, ये इसकी कबर्ड्स वेंटिलेशन विंडो के साथ और अटैच वॉशरूम। बेडरूम सेकंड, उसके बाद ये इसका ओपन किचन, सेम डिज़ाइन है ग्राउंड फ्लोर की तरह आप देख सकते हैं। बेडरूम थर्ड, सेम डिज़ाइन और सेम कबर्ड्स और अटैच वॉशरूम के साथ। जी थर्ड बेडरूम के साथ जो है अब हम मूव होते हैं बाहर गैलरी एरिया को। जी ये इसका छोटा सा गैलरी एरिया, नीचे जो है मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। और इसी के साथ जो है वो हम मूव होते हैं मम्टी की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लोरिंग और अवेलेबिलिटी सर्वेंट क्वार्टर की है 10 मरला घर में या नहीं। जी मार्बल का इस्तेमाल स्टेयर्स पे और ये ग्रिल्स हैं स्टेनलेस स्टील्स की। ये स्टोर रूम छोटा सा। जी छत पे आ चुके हैं, जी सर्वेंट क्वार्टर अवेलेबल है छत पे, सर्वेंट क्वार्टर के साथ जो है वो अटैच वॉशरूम है। फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट चिप्स की हुई हुई है और कंक्रीट की इसकी टैंकी है। और मैं आपको छत से ओवरव्यू एक दफ़ा स्ट्रीट का चेक करवा देता हूँ। जी व्यूअर्स 10 मरला घर का सुहाग गार्डन एच ब्लॉक में ये विज़िट कंप्लीट होता है। इसकी डिमांड है 1,85,00,000 रुपया, 185 लाख इसकी घर की डिमांड है। सेल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए सेल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।